आईटीआई प्रैक्टिकल चैनल में आप सबका स्वागत है। लिथियम आयरन फॉस्फेट का चौथा पार्ट है ये, पार्ट 4। अगर आपने पहले तीन पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को यहाँ से रोककर पहले तीन पार्ट देख लें। इस पार्ट में हम आपको दिखाएंगे कि हम सोल्डर किस प्रकार कर सकते हैं लिथियम आयरन फॉस्फेट को निकल स्ट्रिप और आयरन से सोल्डर करके, आपको अनुराग जी बताएंगे। तीसरे पार्ट में हमने काटी थी स्ट्रिप, उसके बाद हम पेस्ट अप्लाई करेंगे। पेस्ट अप्लाई करने के बाद हम आपको सोल्डरिंग करके दिखाएंगे। ये देखिए, इस तरह से पेस्ट लगाने के बाद तीनों सेल्स पर, उसके बाद स्ट्रिप जो है, जो हमने थर्ड पार्ट में आपको बताया था कि इस प्रकार हमने निकल स्ट्रिप काटी थी, उसको इसके ऊपर रख कर आयरन, हम 65 वॉट का यूज़ कर रहे हैं, 30 वॉट 35 वॉट से भी हो सकता है, उससे कम के आयरन से शायद ना हो पाए, क्योंकि जो सेल हैं वो भी हीट अब्जॉर्ब करते हैं। ये सोल्डरिंग वायर लगाकर अभी हम आपको इसमें दिखाएंगे सोल्डर किस प्रकार करना है सेल्स को। सोल्डर करके ही ये बैंक पूरा कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताएंगे बीएमएस कैसे अटैच करना है और इसको स्कूटी में किस प्रकार फिट करना है। इस प्रकार ये सोल्डरिंग हो जाएगी इसमें। सोल्डर करते ही चले जाएंगे सारे सीरीज बनाते हुए। जैसे ये नंबर देखिए आप, सेल्स में नंबर लगे हैं 1 2, 1 और 2 को आपस में भी जोड़ना पड़ेगा, 3 4, क्योंकि हमें सीरीज बनानी है, 48 वोल्ट चाहिए। 3 4 जुड़ेगा, 5 6 जुड़ेगा, 7 8 जुड़ेगा, 9 10 11 के बाद आगे कंटिन्यू रहेगा। हमने ये फोल्डेबल बैटरी बनानी है, तो ये आप देख पा रहे हैं इस प्रकार ये सेल जो हैं सोल्डर करनी है। आईटीआई प्रैक्टिकल चैनल देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको बताएंगे बीएमएस अटैच करना, फिर उसके बाद उसको बैटरी में किस प्रकार जोड़ना है। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।